जय गो माता, जय गुरुदेव भगवान। सिर दर्द की बीमारी, माथे की हेडेक की बीमारी, आधा सिर दुखता हो, मेरी प्यारे गो भक्तों, सिर दर्द कोई स्वतंत्र बीमारी नहीं है, ये अन्य बीमारियों का लक्षण है। जैसे कि कब्ज रहना, गैस बनना, तनाव, रक्तचाप, अनिद्रा, कर्ण रोग इत्यादि कारणों से ये सिर दर्द होता है। आइए सिर दर्द का इलाज, एक कप देसी गाय माता का गौमूत्र लीजिए, छाना हुआ सूती कपड़ा सफ़ेद कलर का, उसे 8 तय कर लो, ऐसे मोड़ो, 2 वापस मोड़ो, 4 वापस किया, 8 होगा, इसे 8 बार छानो, ठीक है, तो फिल्टर हो जाएगा वो, उस कप में लगभग आधा ही बचेगा। गौमूत्र छाने हुआ गौमूत्र में 5 पत्ते तुलसी के और 3 दाने काली मिर्च के कूट कर उसमें आप डाल दीजिए और उसे आप खाली पेट पीजिए। देसी गाय माता का बुलवने का घी, हाथ के बुलवने से बुलाया हुआ, ठीक है, मशीन वाला नहीं, देसी गाय माता की 2-2 बूंद नाक में डालिए। गौमूत्र को गर्म करके उसकी भाप नाक में सूंघो, नस्य लो। योग प्राणायाम अनुलोम विलोम नित्य करना है आपको, और एक सिर सुलादी वज्ररस नाम की एक गोली आती है, 2-2 गोलियां आपको सुबह शाम लेनी है। गाय माता की सेवा करिए और गौ माता की पूंछ अपने सिर पे घुमाइए, ऐसा आप 1.25 महीना कर लीजिए। 1.25 महीने में सिर दर्द की बीमारी बिल्कुल आपकी खत्म हो जाएगी। गौ सेवा साथ में करना अनिवार्य है, गौ सेवा के प्रभाव से ये पंचगव्य औषधि आपके ऊपर कई गुना ज़्यादा प्रभावी होगी, आपकी बीमारी को शीघ्रता से खत्म करेगी। ये गौ सेवा के साथ आप पंचगव्य से इस बीमारी को दूर कीजिए। आइए मैं और बताता हूँ, दूसरा इलाज है मृगशृंग भस्म लेना है, 2 मासा, 1 मासा में होता है 194 ग्राम। देसी गाय माता का गौमूत्र लेना है 1 तोड़ा, शीतोपलादि चूर्ण लेना है 2 मासा, और मुक्त पिष्टी 2 रत्ती, 1 रत्ती में होता है 0.1225, तो इसका डबल कर लो, 2 रत्ती हो जाएगा, इतने ग्राम आपको ये लेना है। इसका हरित क्वाथ काढ़ा बनाकर और 1 चम्मच इसमें शहद मिला लें, ठीक है, इसका सुबह शाम सेवन करने से सिर दर्द खत्म हो जाता है। आइए तीसरा उपाय है, गाय माता का बुलवने का बुलाया हुआ घी, 2-2 बूंद ऐसे गर्दन को पीछे करके नाक में डालो, कान के पीछे उसकी मालिश करो, तलवे पर और सिर पर इसकी मालिश कीजिए गाय माता के घी की, इससे भी सिर दर्द जल्दी खत्म हो जाता है। आइए चौथा इलाज, 2 चम्मच गोबर की राख, देसी गाय माता की गोबर की राख आप लीजिए और थोड़ा पानी पी लीजिए। देसी गाय माता के गोबर की राख में 46.8% ऐसा बताते हैं कि ऑक्सीजन होती है, दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देसी गाय माता की गोबर की राख में होती है, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण अन्य बीमारियां होती हैं और इसी के लक्षण स्वरूप सिर में दर्द होता है, तो गोबर की राख आप लोगे, इससे भी आपका सिर दर्द कम हो जाएगा। 5वां इलाज, थोड़े से लौंग ले लीजिए, लौंग के दाने उसको मिट्टी के तवे पर आप सेक लीजिए, गर्म कर लीजिए, और फिर उसे सूती कपड़े में लेकर उसे लपेट लो और नाक में उसको सूंघो। संपूर्ण लट जीरा, आंधी जाड़ा बोलते हैं संस्कृत में, अपा मार्ग बोलते हैं, पूरे पौधे का रस 4 मिलीग्राम आपको प्रतिदिन लेना है, इससे तनाव थकान और चिड़चिड़ापन दूर हो जाता है, क्योंकि तनाव थकान और चिड़चिड़ेपन के कारण भी सिर दर्द होता है, तो आंधी जाड़े का पौधे का रस 4 मिलीग्राम रोज लेते हो तो आपका इससे भी सिर दर्द तनाव थकान दूर हो जाएगी। आइए 7वां उपाय बताता हूँ, आप सिर दर्द के कारण अगर गंदी चाय पी रहे हो तो
तो उसकी जगह पे आपको क्या करना है, तुलसी के पत्ते का काढ़ा बनाओ। एक गिलास पानी ले लीजिए और उसमें 20-25 पत्ते तोड़कर उसमें उबालिए, और इतना उबालो कि एक कप रह जाए, और चाय की जगह पे आप तुलसी का काढ़ा घुट घुट फूंक मार मार के आप पीजिए। इससे भी आपके सिर दर्द में बहुत जल्दी आराम होगा और एक गंदी चाय की आदत भी आपकी छूट जाएगी। लोग कहते हैं कि चाय नहीं पिए तो हमारे सिर में दर्द होता है, तो आप तुलसी का काढ़ा बनाकर पीजिए, ये चाय की आदत छूट जाएगी और बहुत जल्दी आपके आराम मिलेगा। आइए आठवां उपाय और बताता सिर दर्द के लिए, ध्यान से सुनना। लौंग, काली मिर्च, अदरक, दालचीनी, इलायची, तुलसी पत्ते, इन सबको कूटकर 2 गिलास पानी में उबालो, 50 ग्राम गुड़ मिलाकर। इतना उबालो कि वो 1 या 2 कप रह जाएं और इसे आप पीजिए प्रातः खाली पेट। इससे आपके सिर दर्द में बहुत ही अच्छा आराम रहेगा। आइए नवा इलाज, पेट में गैस के कारण अगर सिर दर्द हो रहा है तो 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 नींबू का रस और 1 चम्मच शहद उसमें मिलाकर आप खाली पेट नित्य पियो। इससे भी सिर दर्द में बहुत अच्छा आराम रहता है। आइए 10वां उपाय और बताता हूँ, जिसका आप लेप बनाना है। गौमूत्र के अंदर चंदन घिस लीजिए थोड़ा, उसके अंदर अदरक, पुदीने के पत्ते, तुलसी के पत्ते, नींबू के पत्ते, इन सभी की चटनी बनाकर आपको मिला के अच्छा लेप बनाना। वापस बोल रहा हूँ, गौमूत्र के अंदर चंदन, अदरक, नींबू पत्ते, तुलसी पत्ते और पुदीने के पत्ते, इन सभी की चटनी बनाकर अपने सिर पर लेप करें। ये एक बहुत अच्छी औषधीय चटनी है, इससे भी सिर दर्द एकदम ठीक हो जाता। तो मेरे प्यारे गोभक्तों, इन दवाइयों का आप उपयोग कीजिए और सिर दर्द की बीमारी को बिल्कुल जड़ से खत्म कीजिए। मैं आपसे वापस यही कहूँगा, ये पंचगव्य औषधि का प्रभाव अगर आप शीघ्रता से देखना चाहते हो तो गौ माता की सेवा आपको करनी होगी। गौ सेवा के साथ आप इन दवाइयों को लीजिए, बहुत शीघ्रता से आपका इलाज होगा। गौ कृपा गौ गव्य इस रोग में प्रभावी हैं। कैसे? गौमूत्र मस्तिष्कीय ज्ञान तंतुओं को शक्ति देता है, दीपन व पाचन गुण होने से पाचन संस्थान को मजबूत करता है, और पित्त तिक्त वे उष्ण होने के कारण नाड़ी संस्थान को ताकत देता है, जिसके फलस्वरूप सिरसुल समाप्त हो जाता है। तो मेरी प्यारे गौ भक्तों, ये कुछ क्या बोलते हैं वैद्य की भाषा में कि ये कैसे हमारे पर प्रभावी होगा, तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया है, तो इस प्रकार से ये काम करेगा। बाकी बात स्पष्ट है, डॉक्टर की दवा 20% काम करती है, 80% दुआ आशीर्वाद काम आता है। तो गौ के प्रति सेवा और ये औषधि अगर आपने ली है, कोई इन बीमारियों को ठीक करने से, इन पंचगव्य से नहीं रोक सकता है, 100% आपकी बीमारी दूर होगी। मेरे प्यारे गौ भक्तों, इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई समस्या है आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, ताकि नई वीडियो आपके लिए तैयार कर सकें। जय गौ माता, जय गुरुदेव भगवान।